हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं अपने बालों में मेहंदी लगवाने वाली हूँ। मेरे बाल बहुत ही बेजान से हो गए हैं और ये बाल मेहंदी मेरे बालों में मेरी अपी मुझे लगाएंगी, क्योंकि उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से मेहंदी लगाने आता है। वो इतने अच्छे तरीके से मेहंदी लगाती हैं कि बालों के हर रूट में, स्कैल्प में मेहंदी चली जाती है और वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। अपी जब भी आती है उनसे मैं मेहंदी लगवा ही लेती हूँ। और मैं अभी फ़िलहाल मेहंदी इसलिए लगा रही हूँ ताकि ठंड आ जाए, तो ठंड में बहुत प्रॉब्लम होती है बालों में मेहंदी लगाना, ठंड लग जाती है। और मेरा फेस इतना सूजा सूजा लग रहा है क्योंकि मुझे नींद आ रही है। मैं आधा एक घंटा पहले ही सोकर उठी हूँ। हाँ, तो इग्नोर माई सूजा सूजा वाला फेस। और क्या, और ये कि हाँ, मैंने रात को मेहंदी भिंगो लिया था। अगर आपको इस भिंगोने का प्रोसेस का भी वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो मैंने बना रखा है पहले का, वो उसका लिंक दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। और मेरी अपी लगाएंगी जो प्रोसेस, तो देखते हैं वो मेहंदी मेरे बाल में कैसे लगाती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सी इज नॉट कंफर्टेबल। ये वीडियो में आने के लिए कंफर्टेबल नहीं है। पहले थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं, पार्ट में बाल को बांध के, ये देखिए ये कैसे मेहंदी लगाया जा रहा है मेरे बालों पे। और उस थोड़े से पार्टीशन पार्ट में मेहंदी लगाकर उसे बंद कर रही है। अभी दूसरा पार्ट ले रही हैं और दूसरे पार्ट में भी लगाएंगी और लगा के इसको भी बन उसी बन में मिला देंगी। ऐसे ही सारे बाल को थोड़ा 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 पतला पतला पार्ट करके उसे ये बन करेंगी। नहीं, रहने दो। अब हम थोड़े 5 मिनट के बाद एकदम कौन से बाबा लिखिया ढोंगी बाबा, जड़ी वाले कीम कपाल बाबा बनने वाली, अकाल कपाल बाबा। ये मेरे बालों का आधा बन बन चुका है, अब पीछे का बाल जा रहा है बन में बनने। और एक बात, मेहंदी लगाने से पहले आप वैसलीन को अगर ऐसे ऐसे से स्टार्ट में लगा लेंगे तो जो मेहंदी का कलर यहाँ पे होगा वो चढ़ेगा नहीं वैसलीन की वजह से। तो ये एक हैक है, आप कर सकते हैं। अभी मुझे बहुत तेज़ से नींद आ रही है क्योंकि मेहंदी लगती है तो सरों को, स्कैल्प को बहुत आराम मिलता है और नींद बुलाते रहती है। आ जाओ बच्ची, आ जाओ। मेरे आधे बालों में मेहंदी लग चुकी है और ये बहुत ही आसान और इजी वे तरीका है। ये आपके पूरे बालों में, स्कैल्प में मेहंदी बहुत अच्छे तरीके से लग जाती है। और सबसे इसका बेस्ट पार्ट ये है कि मेहंदी जब सूख के हम धोने जाते हैं तो ये जैसे जैसे ये बन हुआ है वैसे वैसे ये खुलते जाती है और बाल उलझता नहीं है और बाल निकलता ज़्यादा नहीं है। तो बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। काल कपाल बाबा बन चुकी हूँ। मेरे बालों में मेहंदी लग चुकी है, बहुत अच्छे तरीके से लग गया और ये बहुत कंफर्टेबल। मैं बाल कैसे भी लाऊं, सर कैसे भी लाऊं, ये निकलने वाला नहीं है। और ये सूखने के बाद भी मतलब बहुत ही कंफर्टेबल वे है ये लगाने का। और अब मुझे नींद आ रही है, अब मैं पेपर बिछा कर अपने सरों के पास और सो जाऊँगी आराम से। और आप ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये प्रोसेस आपको पसंद आया कि नहीं आया, और ये आप ये प्रोसेस से आप लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। अगर नहीं लगाते तो लगाइएगा ज़रूर, बहुत ही हेल्पफुल प्रोसेस है। देन अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और मेरी अपी ने जो लगाया वो प्रोसेस पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।